सभी धम्म बंधु और उपासक उपासिकाएं हो चुके हैं, मगर हमारे संस्था के प्रवक्ता जी, संस्था के प्रवक्ता जी और उनकी पत्नी कमलेश जी बौद्ध जी से हम आमंत्रित यहाँ पे करना चाहते हैं, वो भी उनके विचार वहाँ व्यक्त करेंगे। जब हमारी संस्था बन चुकी थी, गौतम साहब यहाँ पधारे, हमारा मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, उसके बाद संस्था से जुड़ने के बाद उन्होंने संस्था को काफ़ी मतलब में अनुशासन, ईमानदारी और निरंतरता का पाठ पढ़ाया, रजिस्ट्रेशन दिलाया, उसके बाद संस्था को बहुत मतलब में प्रगति पथ पे लाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान तो है, वो कहते भी हैं। और उन्होंने कहा था, मुझे पर्सनली कहा, भालेराव जी अगर कोई समाज साथ दे या न दे, अगर आपका साथ रहे और तो हम पर्सनल मैं अकेला खुद भी बुद्ध विहार बनाऊंगा, ये लोग दे या नहीं दे, क्योंकि क्या हमारे समाज उस तरह का है, हो चुके हैं सोचते, इसलिए वो कहते थे। और उन्होंने कहा, और ये जो करके बताया, समाज के सहयोग से करके बताया, जो नहीं सहयोग देते थे उस तरह किस तरह सहयोग हम लोगों ने लिए, ये सब आप लोग सब जानते ही है। तो हमारे संस्था के प्रवक्ता जी, क्योंकि मैं जो उनको बोला वो तारीफ भी करते हैं, वो सही तरीके के लिए करते हैं और करनी चाहिए, और हमने जो सोचना है उनका सोच अलग तरह से निकालना चाहिए कि हमें और प्रगति करनी, वहाँ रुकना नहीं, तारीफ के बाद हमें और बढ़ना है। हमारे जो प्रवक्ता जी का वही सब्जेक्ट रहा कि वो और बढ़े, और इसीलिए तो वो तारीफ करते हैं। हमने उनको उस तरह ही कहा, और हम तो कहते रहते हैं जो सच बात के लिए कोई डर नहीं है, और कहना भी चाहिए, क्योंकि जो आज तक जो देन बनी है, जो कार्य बना है, वो उनके यही हमें बातचीत के तौर से ही यहाँ बना है। तो हम प्रवक्ता जी और उनकी पत्नी जी से यहाँ निवेदन करते हैं कि आप आइए, और आप आखिरी मतलब में कपल है कि आप कुछ संबोधन करेंगे।